अ वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 21 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज़ है दैट हमारी जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने 103 गैलेंट्री अवार्ड दिए हैं फॉर 2024। कब? इंडिपेंडेंस डे की इवनिंग पे। ये अवार्ड्स किसे दिए जाते हैं? तो जो भी करेज का एक सिंबल, खुद को एज ए करेजियस रिप्रेजेंट करते हैं किसी न किसी सिचुएशन में, है ना, उन्हें ये अवार्ड दिए जाते हैं। और मेनली आर्म्ड फोर्सेस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जो पर्सनल हैं उन्हें ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। टोटल आपने याद रखना है 103, क्योंकि यहां से ज्यादातर क्वेश्चन आता है। आगे अगर हम बात करें, 4 कीर्ति चक्र दिए गए हैं, जिसमें से 3 पोस्ट ह्यूमसली दिए गए हैं। पोस्ट ह्यूमस का मतलब होता है कि उस पर्सन का देहांत हो चुका है, मृत्यु हो चुकी है, उनकी डेथ के बाद उन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो नॉर्मली उनके फैमिली फ्रेंड्स, जो भी उनका पार्टनर होता है, उन्हें दिए जाते हैं, है ना। उसके बाद है 18 शौर्य चक्र। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा, कितने कीर्ति चक्र दिए गए, कितने शौर्य चक्र दिए गए, अब किस किस को दिए गए ये नहीं आता, क्योंकि इतने सारे लोगों को दिए जाते हैं तो वो याद रखना इतना एग्जामिनर को भी पता है कि टफ है, राइट। अब जो 18 शौर्य चक्र दिए गए हैं, इसमें से भी 4 पोस्ट ह्यूमसली, यानी लोगों की डेथ हो चुकी है उसके बाद में दिए जा रहे हैं। 1 बार टू सेना मेडल गैलेंट्री में दिया जा रहा है। उसके बाद 63 सेना मेडल्स दिए जा रहे हैं, जिसमें से 2 पोस्ट ह्यूमसली दिए गए, 11 नाव सेना मेडल्स एंड 6 वायु सेना मेडल्स दिए गए। ये वाले आपके नंबर है ना, कि कितने नंबर ऑफ मेडल्स किस पर्टिकुलर कैटेगरी में दिए गए, वहां से आपका क्वेश्चन आता है। अब ये तो हमारी होगी पूरी करंट न्यूज। अब थोड़ा सा हम स्टैटिक भी देख लें गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में। अब देखिए, ये जो टॉपिक है ना, ऑलरेडी मैं स्टैटिक जीके में पढ़ा चुकी हूँ, यहाँ पे जस्ट हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट में रिवाइज कर लेंगे। सो गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करें, स्टार्टिंग में जब बने थे सिर्फ 3 गैलेंट्री अवार्ड्स थे, परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एस्टेब्लिश किए गए थे 26 जनवरी 1950 को। लेकिन फिर 2 साल बाद 1952 में 3 नए गैलेंट्री अवार्ड एड किए गए, जो कि थे अशोक चक्र क्लास 1, अशोक चक्र क्लास 2 एंड अशोक चक्र क्लास 3। अब 1952 में ये एस्टेब्लिश किए गए, लेकिन 1967 में इनका तीनों का नाम चेंज करके रखा गया। क्लास 1 का नाम अशोक चक्र, क्लास 2 का कीर्ति चक्र एंड क्लास 3 का वीर चक्र रखा गया, ठीक है। तो अब टोटल 6 है हमारे पास जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, 3 ये और 3 ये। ये अवार्ड जो है 2 बार अनाउंस किए जाते हैं एक साल में, एक बार रिपब्लिक डे के टाइम पे, एक बार इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे, है ना। अब देखिए, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स इसका मतलब क्या होता है, किसी से टॉप प्रायोरिटी इसको मिलती है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है। तो आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने याद किया था, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, ये याद रखना है। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, ये याद रखना है। अच्छा, मुझे प्रॉब्लम होती थी कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो मैंने क्या किया था कि जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ अल्फाबेट्स है वो टॉप पे है, कम वाला बीच में, फिर सबसे कम वाला नीचे। और इसमें भी यही फॉलो करना है आपने। बाकी ये तो शुरू में ट्रिक्स लगती है, धीरे धीरे ना आपको ऑटोमेटिकली चीजें याद हो जाती है। जब एक साल हो जाता है, 1.5 साल हो जाता है आपको प्रिपरेशन में, तो ये चीजें आपको खुद से याद हो जाती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस यानी टॉप पे कौन है। तो आपने क्या करना, इस चीज को मत देखो अभी, अभी यहां पे सुनो जो मैं बता रही हूं। पहला यहां से, दूसरा यहां से, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, ऐसे करो। अब कैसे है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, तो टॉप पे है परमवीर चक्र, देन अशोक चक्र, परमवीर चक्र, सेकंड पे अशोक चक्र, देन महा, इसको आप चाहे मत ही देखो, परमवीर चक्र, देन अशोक चक्र, थर्ड पे महावीर चक्र, फोर्थ पे कीर्ति चक्र, फिफ्थ पे वीर चक्र, और सिक्स्थ में यहां पे आपका ये जो, सॉरी नॉट वीर होगा, यहाँ पे शौर्य चक्र होगा आपका, है ना, ठीक है। चलिए, ये आपका हो गया, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, इधर से, ऐसे करके उठा के आपको याद हो जाएंगे, है ना। बाकी एक बार रिवाइज कर लो, बार बार जब आप देखेंगे आपको खुद से याद हो जाएंगे। मुझे कंफ्यूजन हो भी रहा था कि वीर वीर क्या हो रहा है, चलो ठीक है, हमने करेक्ट कर लिया अपनी मिस्टेक, राइट। अब देखिए, इसी के साथ फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें, आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल ये नोट्स प्रूव होंगे, राइट। चलिए, तो अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आज का सेकेंड पॉइंट है दैट नेशनल वर्कशॉप ऑन वुमेन लीडरशिप इन पंचायत। पंचायतों में वुमेन लीडरशिप के ऊपर एक नेशनल लेवल की वर्कशॉप हुई है, जिसे ऑर्गेनाइज किया गया है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में एग्जैक्टली कहाँ पे, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में। तो ये वर्कशॉप हुई है नेशनल लेवल की, कहाँ पे हुई है आपको पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइज किसने किए, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई।
यहाँ पे बस यही है कि जो महिलाएं हैं, जो वुमेन लीडर्स हैं, उनको ग्रास रूट लेवल पे एम्पावर करने के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन की जाएगी। ये जो वर्कशॉप है ये ऑर्गेनाइज की गई थी एज अ पार्ट ऑफ 78th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। 78 ईयर्स हो गए ना इंडिपेंडेंट हुए हुए, तो बस उसी के उपलक्ष्य में ये लीडरशिप वर्कशॉप भी जो है वो ऑर्गेनाइज की गई थी। इनॉग्रेशन किसने किया? डॉक्टर किरण बेदी ने, जो कि फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुकी हैं पुडुचेरी यूटी की। ठीक है, अभी पुडुचेरी यूटी ने क्या किया है, एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसके अंडर उन्होंने डिमांड की है कि हमें फुल स्टेटहुड स्टेटस मिले। चार ज्योग्राफिकली अनकनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं इसके अंदर। ज्योग्राफिकली अनकनेक्टेड का मतलब है कि चार डिस्ट्रिक्ट्स हैं पर वो बाउंड्रीज एक दूसरे से शेयर नहीं करते, है ना, इस तरह से। चलिए, ये आपने याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी आगे चले हम थर्ड पॉइंट अपना देखें। सो नेशनल पेस्ट सर्विलियंस सिस्टम NPSS लॉन्च किया गया किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, जो कि किसके पास है? शिवराज सिंह चौहान के पास है। अब ये एक ऐप भी है, एक वेब पोर्टल भी है, जो कि क्विक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाएगी टू पेस्ट अटैक्स एंड क्रॉप डिजीज। डिजीज से रिलेटेड कोई क्रॉप खराब हो रही है या पेस्ट अटैक हुआ है उस पर क्या किया जा सकता है, तो उसके ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, तो आपने बस इतना याद रखना है, नेशनल पेस्ट सर्विलियंस सिस्टम किसने लॉन्च किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आगे चले। फोर्थ पॉइंट अपना देखें। सो थर्ड स्टेट टू अनाउंस मेंस्ट्रुअल लीव फॉर वर्किंग वुमेन। वर्किंग वुमेन चाहे वो सरकारी सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर में है, दोनों के लिए ही तीसरी स्टेट जिन्होंने ये अनाउंस किया है कि ड्यूरिंग पीरियड्स आपको छुट्टी प्रोवाइड करवाई जाएगी एक दिन की, तो वो बना है ओडिशा। अब अगर ये थर्ड स्टेट है तो बाकी के दो स्टेट्स कौन से हैं? पहला है बिहार, दूसरा है केरला। बिहार में है 2 डेज लीव पॉलिसी एंड केरला में है 3 डेज लीव पॉलिसी एंड ओडिशा लेकर आया है 1 डे लीव पॉलिसी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। आगे देखिए फिफ्थ पॉइंट अपना, RN अग्रवाल पास्ड अवे रिसेंटली। कौन थे ये? फादर ऑफ अग्नि मिसाइल्स कहे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ हमारा ये पेज भी हो गया कंप्लीट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ देखिए, आप सब चाहें तो GS हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट्स की PDFs आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आज का सिक्स्थ पॉइंट है दैट फॉर अ न्यू वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर IIT मद्रास में MOU साइन किया है किसने। न्यूज़ किस तरह से है कि IIT मद्रास में ना एक नया वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर ओपन किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए MOU साइन हुआ है इंडिया और इसराइल के बीच में। इंडिया की तरफ से जो अमृत मिशन है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आता है, उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है। एंड इसराइल की तरफ से एम्बेसी ऑफ इसराइल ने ये एग्रीमेंट साइन किया है। क्यों? टू बिकम अ हब फॉर इनोवेशन, रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन वाटर टेक्नोलॉजी। सो मेनली वाटर टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है इंटेंस काम करना है, उसके लिए ये आया है। तो यहां से क्वेश्चन बस इतना आएगा, इंडिया एंड इसराइल ने एग्रीमेंट साइन किया है, कहां पे ये सेंटर खोला जाएगा? IIT मद्रास। सेंटर का नाम क्या है? वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर, जो वाटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड जो है वो काम करेगा। ठीक है, आगे चले। सेवन्थ पॉइंट अपना देखें, किसानों की बात रेडियो प्रोग्राम। ये जो किसानों की बात रेडियो प्रोग्राम है, ये महीने में एक बार प्रोग्राम जो है वो चलेगा। ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, ताकि जो फार्मर्स हैं उन्हें साइंस का पूरा बेनिफिट मिले। अच्छा, साइंस का कैसे बेनिफिट मिलेगा? अरे, जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी हैं, जो न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उसका फायदा मिले फार्मर्स को, ये मेन काम है। ठीक है, एंड देयर इज अ नीड टू कनेक्ट द कृषि विज्ञान केंद्र विद द फार्मर्स कम्प्लीटली। और यहाँ पे ये चीज भी समझी जा रही है कि जो एग्रीकल्चर साइंस सेंटर है, इसे भी फार्मर्स से कनेक्ट करने की जरूरत है, ताकि जो भी साइंटिफिक फॉर्म में जैसे भी एडवांसमेंट लाई जा सकती है, किसानों की किसी भी तरह से अगर हेल्प हो सकती है तो वो की जाए। ठीक है, तो ये प्रोग्राम जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे चले हम एट्थ पॉइंट अपना देखें। सो सेवेंटीथ लेट मी जस्ट द पेज फर्स्ट, नेशनल फिल्म अवार्ड्स, है ना, कहाँ पे हुई है ये अवार्ड सेरेमनी? न्यू दिल्ली में हुई है। ऑनरिंग द बेस्ट फिल्म एंड सिनेमेटिक एक्सपीरियंसेस ऑफ द ईयर 2022 में जो मूवीज आई थी उसमें कौन सी बेस्ट फिल्म रही? बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, डायरेक्टर, ये सब आपने याद रखना है ना। अब इसमें एक्टर एक्ट्रेस तो आपको याद रखना पड़ेगा, बेस्ट डायरेक्टर याद रखना पड़ेगा, और ये कंतारा वाला ये भी याद रखना पड़ेगा, है ना। तो मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट वंस लिखे हैं, वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है ये।
ठीक है, तो इनको आप देख लेना, अब इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। प्लस इंपॉर्टेंट है कि विनर्स किसने अनाउंस किए, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने। अवार्ड्स किसने दिए, हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। कहाँ पे अवार्ड सेरेमनी हुई, न्यू दिल्ली में। 2022 के जो फिल्म्स आई थी उनको ऑनर किया गया। कौन सा एडिशन था, 70th एडिशन था नेशनल फिल्म अवार्ड्स का। ये सारी चीज़ें याद रखनी होती हैं, है ना। चलिए इसी के साथ ये पेज भी हो गया कंप्लीट। अगेन कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ देखिए, आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने फोर्थ और अपने लास्ट पेज की ओर। आज का 9th पॉइंट है दैट डीजीपी ऑफ पुडुचेरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पुडुचेरी के कौन अपॉइंट की गई हैं, शालिनी सिंह, राइट। 10th पॉइंट देखें, सो फर्स्ट इंडियन टू हैव पार्टिसिपेटेड इन द वर्ल्ड सुपरबाइक चैंपियनशिप। अभी जो वर्ल्ड सुपरबाइक चैंपियनशिप है ब्रिटेन में कंडक्ट करवाई जाती है, डोनिंगटन में हुई है। पहले ऐसे इंडियन जिन्होंने इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया है कौन बने हैं, केविन क्विंटल जो कि चेन्नई तमिलनाडु से हैं, राइट। 11th पॉइंट देखें, दो लोगों का रिसेंटली निधन हुआ है जिनके बारे में हम जानेंगे। पहले हैं रेशल लिलिस, पास्ट अवे रिसेंटली, पोकेमॉन सीरीज में वॉइस एक्टर थे, वॉइस ओवर करते थे, अपनी आवाज देते थे, है ना। नेक्स्ट है सोंग डाओ ली, पास्ट अवे रिसेंटली, चाइनीज अमेरिकन फिजिस्ट थे, नोबेल प्राइज विनिंग फिजिस्ट, मतलब इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है ना, तो बहुत बड़ी बात होती है नोबेल प्राइज मिलना। तो ये दो आपके पर्सनैलिटीज हैं जिनका रिसेंटली निधन हुआ है, याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ऐसा नहीं सोचना कि अरे इन लोगों की तो डेथ हुई है, ये थोड़ी एग्जामिनर पूछेगा, पूछते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है ना। चलिए आगे चलिए, 12th पॉइंट अपना देखें, जर्मन साइंटिस्ट डिस्कवर प्लास्टिक एटिंग फंगाई फॉर वेस्ट रिडक्शन। अच्छा, जो प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा हो जाता है ना, तो ये प्लास्टिक वेस्ट जो है कई मिलियन टन्स में इकट्ठा हो रहा है हर साल, ठीक है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि प्लास्टिक को हम क्या करें अब उसका, वो सड़ता गलता नहीं है ना, जैसा हो हजार साल बाद भी वैसा रहता है, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसी के लिए एक छोटा सा सॉल्यूशन लेकर आए हैं जर्मन साइंटिस्ट, जिन्होंने फंगाई को डिस्कवर किया है जो प्लास्टिक्स को खाती हैं। अब इससे क्या होगा, ये जो प्रॉब्लम है कि मिलियन ऑफ टन्स हमारा प्लास्टिक जनरेट हो रहा है जिससे ओशंस पॉल्यूट हो रहे हैं, उसमें काफी हेल्प होगा उसको टैकल करने के लिए, लेकिन पूरी तरह से टैकल नहीं कर सकते, है ना। कोई छोटे सा जीव है वो कितना प्लास्टिक खाएगा, एक साल में हम इतना कर देते हैं क्रिएट, वो एक साल में कैसे इतना खाएगा, है ना। तो फिर भी ग्लोबल लेवल पे कुछ और एक प्रॉपर एक सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है, लेकिन ये टेम्पररी या थोड़ा बहुत जो है हम इससे यूज कर सकते हैं इस फंगाई को, ताकि प्लास्टिक वेस्ट रिड्यूस किया जा सके ना। ये है हमारा आज का लास्ट पॉइंट एंड देन हमारा वीडियो कंप्लीट। सो इसरो के जो चेयरमैन है, इसरो है क्या, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया की अपनी स्पेस एजेंसी है। तो इसरो के जो चेयरमैन है एस सोमनाथ जी, उन्हें ऑनररी डॉक्टरेट मिली है, मतलब एक डिग्री मिली है किसके द्वारा, वीटीयू विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो कि कर्नाटका में है। कर्नाटका के जो गवर्नर है थावर चंद गहलोत, उन्होंने बिस्टो की है, मतलब उन्होंने इनको नवाजा है इस डिग्री के साथ, इस डॉक्टरेट के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो इतना ही जानना है आपने कि किसको दिया, किस यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया, कौन से फेमस पर्सनालिटी ने दिया, वो हमने जान लिए 3 पॉइंट्स। यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम इसरो के बारे में देखें, वैसे तो देखिए ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, मैं स्टैटिक जीके में पढ़ा भी चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम देखें, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है, इंडिया की अपनी नेशनल स्पेस एजेंसी है, जैसे नासा है, यूएसए की जाक्सा है, जापान की, इस तरह से। इसकी फॉर्मेशन 1969 में हुई, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आता है, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में, और इसके चेयरमैन है एस सोमनाथ जी, ठीक है। अब देखिए इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हो गए कम्प्लीट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा, इसी के साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मैं चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।